दिल्ली से ठगी की वारदात को अंजाम देकर अजमेर छुपने आए चार बदमाशों को पुलिस ने 7,50,000 की रकम के साथ गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों द्वारा ज्वेलर के बेटे को सोने के बिस्किट देने का लालच देते हुए 8 लाख की ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया था। फिलहाल इस संबंध में दिल्ली हजरत निजामुद्दीन पुलिस तफ्तीश में जुटी है और जल्द आरोपियों को लेने अजमेर पहुंचेगी। अजमेर दरगाह थाना प्रभारी दलबीर सिंह ने बताया कि हजरत निजामुद्दीन दिल्ली थाने के माध्यम से सूचना मिली कि चार बदमाश एमपी के रहने वाले शोभित के साथ सोने के बिस्किट देने के बहाने 8 लाख रुपए की ठगी की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए हैं, जिनकी सूचना अजमेर होने की मिली है। पुलिस ने इनपुट के आधार पर तुरंत टीम का गठन किया और गंज थाना पुलिस के साथ ही स्पेशल पुलिस को साथ लेकर तफ्तीश शुरू की। आरोपियों की गाड़ी गंज थाना क्षेत्र में मिली और उसके बाद चारों आरोपी दरगाह थाना क्षेत्र स्थित गेस्ट हाउस में पकड़े गए। पुलिस ने इस संबंध में दिल्ली पुलिस को सूचित किया है, जो जल्द ही इन्हें गिरफ्तार करने अजमेर पहुंचेगी। मुख्य आरोपी सोहेल पठान और शमा आस्था में अपने आप को इंडियामार्ट.com पर गोल्ड सेलर अधिकारी बता रहा है, जिससे संपर्क करने पर शोभित ने हवाला के माध्यम से 8 लाख की एवज में 200 ग्राम सोना लेना स्वीकार किया और दिल्ली में 10 के नोट के बदले में दुकान से सोना लेना था, लेकिन रकम की डिलीवरी होने पर भुज के रहने वाले सोहेल पठान, चाय मोहम्मद, शबीर हुसैन और इमरान मौके से फरार हो गए। इसकी शिकायत थाने में की गई और आरोपियों अजमेर दरगाह क्षेत्र स्थित सागर होटल से गिरफ्तार कर लिया गया है। ये करीब सुबह 9:45 के आसपास जरिए टेलीफोन दिल्ली पुलिस में थाना हजरत निजामुद्दीन से सब इंस्पेक्टर नगेंद्र सिंह ने बताया था कि चार लड़के यहाँ पर एक बड़ी ठगी की वारदात करके गए हैं। करीब 8 लाख रुपए कैश उन्होंने ठगी की है और FIR दर्ज हो रही है, तो हमारी मदद करें। इस पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय से हालात को अवगत कराकर श्रीमान द्वारा दिए निर्देश के अनुसार टीम गठन किया गया, जिसमें थाना गंज से उप निरीक्षक राजेश कुमार के साथ टीम ली गई और जो श्रीमान की DST टीम है उसमें से ASI जगमाल और 2 कांस्टेबल को लेकर के 3 टीमों ने अलग अलग सर्च करना शुरू किया, क्योंकि संदिग्ध गाड़ी भी थी, 4 व्यक्ति थे, कोई होटल में भी रुक सकते हैं, ढाबे में रुक सकते हैं, गेस्ट हाउस में रुक सकते हैं। जब शुरुआत में गाड़ी का पता चला तो थानागंज इलाके में एक पार्किंग में गाड़ी मिली, वहाँ से पता चला कि जो दरगाह क्षेत्र का एक होटल है उसमें हो सकते हैं, जिस पर 3-4 होटलों को उसी नाम के जो होटल थे उनको चेक किया। लास्ट में सागर होटल के जो रजिस्टर है उसमें चारों के नाम एंट्री मिली है। 102 नंबर रूम में तलाश किया, चारों लड़के वहीं मिले और उनके पास जो समा आफ्ताब उर्फ सोए पठान है, जो इस ठगी का मूल रूप से जो मुख्य आरोपी है, उसके बैग से 7.5 लाख रुपए कैश मिले हैं, जिनको मौके से सुरक्षित पुलिस अभिरक्षा में लेकर के डिटेन किया है और दिल्ली पुलिस को सूचना दे दी गई है। वो रास्ते में हैं, आते ही वो अपनी जो अनुसंधानिक कार्यवाही है वो करेंगे। सर, किस तरह की ठगी है, कैसे इन्होंने ठगी? इसमें बताते हैं कि ये इंडिया मार्ट पर अपने आप को गोल्ड सेलर के नाम से रजिस्टर्ड कर रखा है, तो इस झांसे में आकर के व्यापारी ने इनसे बात की, क्योंकि वो भी ज्वेलरी का कार्य करते हैं, तो ये लोग चारों दिल्ली पहुंच गए और दिल्ली पहुंच करके इन्होंने कहा कि 10 का नोट देंगे हवाला की तरह और तुम फलां ज्वेलर के यहाँ से जा करके अपना गोल्ड कलेक्ट कर लो। तो ये पैसे ले लिए और उधर से गोल्ड कलेक्ट करने के लिए कहा। जब ये वहाँ पहुँचे व्यापारी जो परिवादी है, तो वहाँ कुछ भी नहीं मिला और इन्होंने जब इन लोगों से संपर्क किया तो संपर्क होना बंद हो गया। इंडिया मार्ट पे ये रजिस्टर्ड होंगे इसलिए भरोसा हो गया। यस, इंडिया मार्ट एक अच्छी वो है वेबसाइट जिस पर इन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कर रखा है, इंडियामार्ट.com पर। किन किन लोगों को आपके द्वारा गिरफ्तार किया गया, क्या नाम है? इसमें एक सोए पठान उर्फ समा आफ्ताब है जो मेन एक्यूज्ड है, उसके अलावा जो लोग हैं वो भुज जिले के ही इसी के साथी हैं, चानिया मोहम्मद जुबैर, शबीर हुसैन और इमरान जुनेजा। कहाँ के? ये सभी भुज के हैं, गुजरात में, जो कच्छ इलाके में आता है। और चारों के चारों जो व्यक्ति हैं वो होटल से मिले हैं, सामान भी मिला। कोई और भी इन्होंने कोई वारदात को अंजाम दिया क्या? अभी पूछताछ कर रहे हैं और दिल्ली पुलिस के आने पर और खुलासा भी होना।